गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू? ऐसे वर्क थर्ड का हिंदी चैप्टर 5 जो प्यारी कोयल से ली गई है। इस कविता के कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान हैं। जैसे देखो कोयल काली है पर मीठी है इसकी बोली, इसने ही तो कुक कुक कर आमों में मिश्री घोली। देखो कोयल तो काली होती है परंतु इसकी बोली जो होती है वह बहुत मीठी होती है। कोयल जो है बसंत ऋतु में आम के वृक्षों की डाली पर कुक कुक कर बोलकर आमों में मीठापन भर देती है। आगे हेडिंग है कोयल कोयल सच बतलाओ क्या संदेशा लाई हो, बहुत दिनों के बाद आज फिर इस डाली पर आई हो। पक्षियों की रानी कोयल होती है। कोयल के विषय में कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान बतला रही है कि एक कोयल रानी तुम मुझे सच बताओ कि तुम क्या संदेश लेकर के आई हो, तुम बहुत दिनों के बाद इस डाली पर आई हो, क्या गाती हो किसे बुलाती बतला दो कोयल रानी, प्यासी धरती देख मांगती हो क्या मेघों से पानी। कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान कोयल से सवाल पूछ रही है कि ये कोयल रानी, ये पक्षियों की रानी, तुम क्या गाती हो और किसे बुलाती हो, तुम हमें बतला दो क्योंकि हमारी धरती जो है प्यासी है और वह मेघों से बादलों से पानी मांग रहा है। आगे है कोयल यह मिठास क्या तुमने अपनी माँ से पाई है, माँ ने ही क्या तुमको मीठी बोली यह सिखलाई है। कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान कोयल से कह रही है कि ए कोयल, क्या तुम्हारे पास जो यह मिठास है क्या तुम अपने माँ से सीखी हो, क्या तुम्हारी माँ ने यह मीठी बोली बोलना सिखाई है। आगे है डाल डाल पर उड़ना गाना जिसने तुम्हें सिखाया है, सबसे मीठे मीठे बोलो यह भी तुम्हें बताया है। जिन पक्षियों ने तुम्हें डाल डाल पर उड़ना और गाना सिखाया है तुम उससे मीठे मीठे बोलो, मीठे मीठे बोलने के लिए यह भी बताया है। लास्ट हेडिंग है बहुत भली हो तुमने माँ की बात सदा ही है मानी, इसीलिए तुम कहलाती वो सब चिड़ियों की रानी। इस कविता के कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान कह रहे कि एक कोयल तुम बहुत अच्छी हो, क्यों अच्छी हो, क्योंकि तुम अपने माँ की बात हमेशा मानी है, इसीलिए सभी तुम्हें चिड़ियों की रानी कोयल कहती है।
अब इस पोयम को आप लोग फेयर की कॉपी में उतार कर लिख कर शब्दार्थ के साथ इसे याद करेंगे। धन्यवाद।